हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद ब्लॉगर कुकी। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जो नया है वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, कितनी अच्छी धूप निकल रखी है और हमारा यहाँ पर भी काम शुरू हो गया है। यहाँ पर डग बना हुआ था, उसकी तोड़फोड़ शुरू हो गई है। सुबह का टाइम है, ब्लैक ही धूप ले रही है, धूप का एंजॉयमेंट कर रही है। धूप आ रही है यहाँ पे खुल के बिल्कुल, और कुछ ब्लैक की हमारी प्रेग्नेंट है इसलिए ज़्यादा आराम करती रहती है, सहारे से बैठती है। और अभी तो इसे थोड़े दिन हुए हैं, अभी देखते हैं कितने बच्चे देगी है। जो भाई देख रहा हो कमेंट करे, देखते हैं किसका कमेंट सही रहेगा, कितने बच्चे देगी है। इसने शुरू में जो रॉक्सी एच के साथ की लक्ष्य भाई को दी है गिफ्ट में, वो दी थी, तब इसने 10 बच्चे दिए थे, 5 मेल 5 फीमेल, जिसमें 3 ब्लैक थे 7 चॉकलेट थे। तो अब की बार बताओ कितने बच्चे देगी ये, कमेंट करना, और उनमें कितने मेल होंगे, कितने फीमेल हो सकती हैं, और कितने कलर के हो सकते हैं, ब्लैक कितने होंगे और चॉकलेट कितने होंगे, इससे अलग कलर नहीं देने की। तो सब बताना, देखते हैं किसका कमेंट बिल्कुल तुक्का सही लगता है। 2 महीने बाद ब्लैको देखो कितनी मासूम सी हो रही है। इसका कुछ पेट भी लटकने लगा है। देखो अगर तुम्हें दिख रहा हो तो आगे से दिखाते हैं, यहाँ से पता नहीं लग रहा। ये इसका पेट लटकने लगा है अभी से ही, तो इसका मतलब है बच्चे तो ये 6 से ऊपर देगी, 6 या 6 से ऊपर देगी। जो अभी से दिखने लगी है, 15-20 दिन हुए हैं इसे, अभी से इतनी दिखने लगी है तो बच्चे ज़्यादा ही देगी, कम तो देगी नहीं। एवरेज इसका 6 से ऊपर मान के चल रहा हूँ मैं, बाकी भगवान जानते हैं कितने देगी। तो इसे आराम करने देते हैं, आज सेटअप का भी व्यू दिखाते हैं क्या चल रहा है, और जो रेस्क्यू किया पिजन वो भी दिखाते हैं। तो गाइस आज चल के सेटअप का व्यू भी दिखाते हैं, सेटअप पे क्या चल रहा है, और जो रेस्क्यू किया था कल पिजन उसे भी दिखाएंगे कि उस पर क्या चल रहा है। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने घर पे, तो रेस्क्यू पिजन दिखाते हैं। उससे पहले आपको राजा दिखा देते हैं। राजा देखो कहाँ बैठा है, हमारी छत पे से दाने खा के जा चुका है, देखो कहाँ बैठा है। ये रहा राजा, तीसरी छत पे बैठा हमारे घर से, बालकनी में किसी की। और पूंछ देखो इसकी कितनी लंबी हो गई है, ये उधर जाना चाह रहा दूसरी साइड में, और ये कूदना चाह रहा है। चलो इसे आराम करने देते हैं, फिलहाल आपको रेस्क्यू पिजन दिखाते हैं अपना। और नीचे देखो, यहाँ तो राजा बैठा है, नीचे देखो कुत्ते इंतजार में, डॉग्स ये नीचे आए और हमें से खाए, 3-3 डॉग्स हैं। देखो कितने इंतजार में रहते हैं, इन्होंने मेरे बजी पैरट थे हैंड टेम, वो नीचे गिर गए थे यहाँ से, पुरानी वीडियो देखी हुई, नीचे गिर गए तो चबा लिया इन्होंने। पर ये जानवर हैं क्या कह सकते हैं, इनके तो भोजन में आते हैं सब चीज़, पर राजा इनके हाथ नहीं आएगा। राजा बहुत तेज है, उड़ता है, दूसरी छत पे चला जाएगा, और ये लैंडिंग करने वाला है, पूंछ उठा ली उसने, और देखो ऊपर चला गया। और डॉग्स को दिखाता हूँ नीचे खेल में लगे हैं। ये रहा राजा हमारा, पिजन को दिखाते हैं, इसे उगाड़ देते हैं। यहाँ पर बंदर आ जाते हैं, उन्होंने पिंजरा गिरा दिया था, देखो दाने कितने बाहर पड़े हैं, सारा पिंजरा नीचे गिरा दिया था, तो इसमें से दाने निकल गए थे, बंदर भगाए हमने। और दिखाते हैं इसमें बीट तो ताजी रखी है, ऊपर बैठा है, इसका मतलब ये खाने लगा है, इसकी बीट देख लो ये पड़ी ताजी, ये गेहूँ वगैरह खा रहा है, अंदर भी पड़ी है काफ़ी बीट। पहले जब आया था हरी हरी बीट कर रहा था खाली, अब गेहूँ की बीट कर रहा है साथ में,
तो इससे पता लगता है खाने लगा। इसे पानी रख देते हैं, पानी ख़त्म है, दाना काफ़ी बड़ा है, नीचे भी गिरा रखा है, और हमारा रेस्क्यू पिजन ये रहा, देखो बैठा है डंडी पे, बजी की डंडी है जिस पर बजीज बैठते हैं, ये आराम से बैठा हुआ है। तो बाकी सब पानी रखते हैं, इसमें पानी नहीं है। गाइस कितना उतावला हो रहा है इसमें, इसने सब्जी तहस नहस कर दिया इसमें रह करके। दिखा देता हूँ, सारे गेहूँ नीचे पड़े हैं बाहर, और इसमें से बस इसे निकलने की लगी रहती है। भाई अभी नहीं जा सकता तू, जब तक पर पूरे नहीं होंगे, कोई जानवर खा जाएगा तुझे, कुत्ते खा जाएंगे, बिल्ली खा जाएगी, रास्ते में तो कुत्ते ही मार देंगे, उड़ पाएगा नहीं, पंख पूरे हो जाए आराम से चल जाएगा, और तुझे डेयरी पे रिलीज करूँगा जहाँ से लाया था वहाँ, तेरे वाइफ या हस्बैंड जो भी वहाँ होंगे वहीं छोड़ूंगा, ठीक है, यहाँ से नहीं जा पाएगा तू वहाँ। तो बौखलाया पड़ा बिल्कुल। देखो क्या हाल कर रखा है इसने, यहाँ चल चल के, चल चल के, कटोरी भी उतर, गेहूँ नीचे, इन्हें वापस अंदर डाल देते हैं, वैसे तो बहुत पड़े हैं अभी अंदर, खा लेगा, पर ये भी है। थोड़ा रुक रुक के वीडियो बना रहा ना, आज तीसरा दिन है इसे बंद हुए हुआ है इसमें, वैसे इसके पंख आने लगे हैं थोड़े थोड़े। चलो पुराने सेटअप का भी दिखाते हैं व्यू। तो गाइस देख सकते हो सेटअप पर आ गए हम, यहाँ पर सारे कबूतर खुले पड़े हैं, ये धूप लगाने के लिए खोल रखे हैं, इनके पर आ रहे हैं सबके, सब कैच पड़े थे कुही की वजह से, सर्दियों में कैच कर रखे थे सब, सबकी उखेड़ी दे दी है, पर आ रहे हैं इनके, जाल पे ऊपर भी बैठने लगे हैं। ये हमारी पुरानी नस्लें हैं, ये सब उड़ान में उड़ी थी, सब जीती हुई है उड़ान, बहुत अच्छी नस्लें हैं। और अंदर दिखाता हूँ, ये कुछ अंदर पड़े हैं जो थोड़े बहुत कैच है या जिनके भी इतने पर नहीं हुए जो ऊपर जाल तक बैठ पाए और बच्चे भी निकले हुए, दिखाते हैं। ये देखो अंदर, ये दो बच्चे बाहर हैं, काले दुबाज कबूतर के बच्चे हैं ये, एक तो अपने बाप पे गया है और एक पता नहीं किस पे गया, माँ तो अलग है। ये पंजाबी बच्चे हैं हरे दुबाज पिलखे के, ये कबूतरी बैठी अंदर मद्रासी, ये पंजाबी मादीन है, ये इसी के बच्चे हैं बाहर, इसने दोबारा अंडे रख दिए हैं। साइड में हमारी हाई फ्लायर की जोड़ है, देवबंदी कबूतरी लाल कबूतर अंडे रख रखे हैं, और ये कांगड़ा कल्लुमा है मद्रासी। बाकी देख लो जोड़ हमारी बच्चों की कितनी बढ़िया जोड़ है, बाकी सब ऊपर बैठे हुए हैं और सब धूप के मज़े ले रहे हैं, पर पूरे हो गए हैं, मस्तियाँ फुल आने लगी है कबूतरों में, बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो दूसरा जाल दिखा देते हैं आपको, दूसरे जाल में क्या प्रोसेस है, इसमें हमारे हाई फ्लायर है, हाई फ्लायर के नीचे पंजाबी बच्चे निकलते हैं, बाकी देखना हमारे कितने अच्छे बच्चे निकले हुए हैं, सफ़ेद बच्चा पंजाबी का, और ऊपर दिखाते हैं ये हरा मद्रासी बच्चा, काला बच्चा मद्रासी, दे हाई फ्लायर के नीचे पले हुए हैं मद्रासी बच्चे हैं दोनों, और इनमें देखते हैं किसी में अंडे बच्चे हैं नहीं, नीचे अंडा रखा हुआ है, बच्चा बड़ा हो गया है, मद्रासी बच्चा है, इसमें भी बच्चे निकल रखे हैं हाई फ्लायर के नीचे दो पंजाबी, और इधर भी पंजाबी बच्चे निकले हुए हैं मद्रासी के नीचे। बाकी इन्हें पास से दिखा देते हैं बच्चों को, दोनों मद्रासी हैं, एक हरा सेंधा मद्रासी बच्चा है, काला सिया मद्रासी बच्चा है, और इनका फादर इन्हें पाल रहा है, सहारनपुरी है, हाई फ्लायर सहारनपुरी। तो बताएगा गाइस हमारे कबूतर कैसे लगे, आज का ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।